उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न की एक और घटना सामने आई है। यहाँ के बस्ती जिले में नाबालिग युवा युवती को चेहरे पर कालिक पोत कर गाँव भर में घुमाने का फरमान सुनाया गया। दोनों पीड़ित दलित समुदाय के बताए गए हैं। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पंचायत के आदेश पर अमानवीय व्यवहार घटना बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के गांव की बताई गई है। आज तक से जुड़े मजर आजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गांव की पंचायत ने ही दोनों दलित नाबालिगों के खिलाफ फरमान सुनाया था। पीड़ित युवक युवती एक दूसरे से प्रेम करते हैं। खबर के मुताबिक गांव वालों ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसी पर हंगामा हो गया। कपल को गांव की पंचायत के सामने मुजरिम की तरह पेश किया गया। उसने कहा कि युवक युवती के चेहरे पर कालिक पोती जाए और उन्हें चप्पलों की माला पहनाई जाए और फिर पूरा गांव घुमाकर संसार किया जाए। पंचायत का फैसला सुनते ही गांव के लोगों ने पीड़ितों का मुँह काला किया और उन्हें चप्पलों की माला पहनाकर गांव भर में घुमाया। किसी गांव वाले ने इसका विरोध नहीं किया। इस घटना की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें दोनों नाबालिग दलित पीड़ित चप्पलों की माला में दिख रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद बस्ती पुलिस हरकत में आई। उसने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कम से कम 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बस्ती पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से DSP शेषमणि उपाध्याय का एक बयान जारी किया गया है। इसमें वे कह रहे हैं, 28 सितंबर 2021 की घटना है। गौर थाना क्षेत्र के तहत सिंगी गांव में अनुसूचित जाति की बालिका का गांव के एक लड़के से प्रेम संबंध था, वो भी अनुसूचित जाति का था। गांव वालों ने उन्हें देखा, दोनों को कालिक पोत कर गले में जूते चप्पलों की माला डालकर गांव के बाहर सड़क पर घुमाया गया। घटना का संज्ञान होते ही वादी की तहरीर पर 13 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। DSP शेषमणि ने बताया कि वे खुद भी मौके पर मौजूद हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है जो लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही एहतियातन गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि पीड़ितों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो और गांव में शांति बरकरार रहे। क्या सोचते हैं आप ऐसी घटनाओं के बारे में, कमेंट माध्यम से हमें जरूर बताएं। आज दिनांक 28 सितंबर 2021 को गौर थाना अंतर्गत ग्राम सिंघही में एक अनुसूचित जाति की बालिका, जिसका अपनी ही गांव के अपनी ही बिरादरी अनुसूचित जाति के लड़के से प्रेम संबंध था, जिसके कारण गांव वालों ने इस घटना को देखा और